हाय गाइस, वेलकम टू मेसी मेन्यू कार्ड। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केक रेसिपी दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए आपको कंडेंस्ड मिल्क, वैनिला एसेंस और क्रीम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो है बोनविटा केक। केक का बेस बनाने के लिए इस बोल में लेंगे 1/2 कप मिल्क, ये उबालकर ठंडा किया हुआ दूध है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल, दिस इज फ्लेवरलेस ऑयल। अब इन्हें मिक्स करेंगे। ये केक बहुत सिंपल है, तो इसमें आपको हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। इस छन्नी में डालेंगे 1 कप मैदा, वन फोर्थ कप बोनविटा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब छान लेंगे, इससे केक का बैटर स्मूथ मिलेगा, कोई लम्स नहीं होंगे बैटर में, तो ये स्टेप स्किप ना करें। ये हो गया है। अब ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर और मिक्स करेंगे। इसमें दूध की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा दूध ऐड कर देते हैं, अराउंड 1/4 कप। हाफ कप पाउडर शुगर ऐड कर देंगे, मतलब पीसी हुई चीनी। 1/2 टीस्पून कोको पाउडर, अगर कोको पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप कॉफी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। ये केक का बैटर परफेक्ट है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल ठीक है। 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर देते हैं और इसके ऊपर डालेंगे बेकिंग सोडा। आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो। इसे केक फ्लफी और लाइट बनेगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए मिक्स करना है। ये 6 इंच का केक टिन है, इसे मैंने ऑयल और फ्लावर से कोट किया है, बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है। टिन को हल्का सा टैप करेंगे और प्री हीटेड कढ़ाई में रखेंगे। इंडक्शन ऑन करके इसे 35-40 मिनट्स तक बेक करेंगे। अब बनाते हैं फ्रॉस्टिंग। उसके लिए इस पैन में लेंगे 1/2 कप चीनी, 1/2 कप दूध जो रूम टेम्परेचर पे है, 1/2 टीस्पून कोको पाउडर या कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून बोनविटा और 2 टेबलस्पून मैदा। मैदा इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसे मिक्स करेंगे। मैंने अभी इंडक्शन ऑन नहीं किया है। ये मिक्स हो गया है। अब इंडक्शन ऑन करते हैं। लो फ्लेम पे इसे 3-4 मिनट तक पकाना है। कंटिन्यूसली स्टर करना है, वरना ये नीचे लग जाएगा। चार मिनट हो गए हैं और ये काफी थिक हो गया है। इंडक्शन बंद करके इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। और इसे ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। अब इसे टाइटली कवर करेंगे, फ्रिज में रख देंगे 30 मिनट के लिए। केक रेडी है, इसे टिन से निकाल लेते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है जो सॉफ्ट है। अब मैं उसे हैंड विस्क से फेंट लूंगी। 3-4 मिनट तक इसे फेंटना है।
जब इसके पीक्स फॉर्म हो जाएंगे तो इसे फेंटना बंद करेंगे। इसमें बोनवीटा का मिक्सचर डाल देंगे जो मैंने फ्रिज में रखा था। सारा एकदम से नहीं डालना है, पहले 2 टेबलस्पून डालेंगे और विस्क करेंगे। थोड़ा और डाल देंगे। अगर आपको लगे बटर मेल्ट हो रहा है तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए और दोबारा विस्क कीजिए। फ्रॉस्टिंग रेडी है। केक को 2 लेयर्स में कट कर देते हैं। मैंने ये केक टर्न टेबल के ऊपर रखा है, आप एक डिब्बे के ऊपर भी रख सकते हैं। सबसे ऊपर का लेयर जो है उसको सबसे नीचे रखेंगे। शुगर सिरप से लेयर को मॉइस्ट करेंगे। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून पानी लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून शुगर मिक्स की है। पाइपिंग बैग में मैंने आइसिंग भरा है ताकि ये केक के ऊपर लगाने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब स्पैचुला से स्प्रेड कर देना है। एजेस तक लेके आइए। बहुत सिंपल है ये। अब दूसरा लेयर रखेंगे। हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए। एक बार फिर शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे। और अब पूरे केक को आइसिंग से कवर करेंगे। स्पैचुला से स्प्रेड कीजिए। और साइड्स को भी इवन कर देंगे। साइड्स में आइसिंग लगा लेते हैं। और स्प्रेड करेंगे। अब इस केक को फ्रिज में रखेंगे 20 मिनट के लिए। केक अच्छे से सेट हो गया है। स्क्रेपर से इसके साइड्स थोड़े इवन कर देंगे और जहां पर आइसिंग नहीं है वहां लगा देंगे। केक ऑलमोस्ट रेडी है। बचा हुआ बोनवीटा का मिक्सचर मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और उसे केक के एजेस से ड्रिप करेंगे। इसे कुछ वेस्ट नहीं होगा और केक का लुक भी अच्छा आएगा। चॉकलेट स्प्रिंकल से डेकोरेट कर देंगे। केक डेकोरेशन इज सपोज टू बी फन, सो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से डेकोरेट कीजिए। ये शुगर बॉल्स डाल रही हूं मैं। और बोनवीटा केक रेडी है। इसे फ्रिज में सेट कीजिए एटलीस्ट फॉर एन आवर बिफोर कटिंग। ये केक खाने में बहुत ही टेस्टी है, सो आई एम श्योर यू विल लाइक इट। सो इसे ज़रूर बनाइए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू मेसी मेन्यू कार्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग रेसिपीज। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। तो मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।